हमास को रफा से उखाड़ फेंकने के लिए इजरायली फौज ने रफा पर चढ़ाई कर दी है। इजरायल के युद्धक टैंक रफा के भीतर घुस चुके हैं। आईडीएफ लगातार रफा में हमास के ठिकानों पर बमबारी करती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन रफा में इजरायली सेना का रास्ता इतना आसान नहीं है कि जितना उसे नजर आता है, क्योंकि रफा में हमास की अलग अलग सैन्य शाखाओं ने आईडीएफ पर हमले शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में अलकुज ब्रिगेड ने आईडीएफ पर एक बड़ा अटैक किया है। ये हमला अलशोका के पास हुआ है जो पूर्वी रफा में है। अलकुज ने यहाँ पर आईडीएफ के ऊपर 107 mm रॉकेट्स और कई 120 mm वाले मोर्टार गोले दागे हैं। और इसी इलाके में अलास्का मार्टर ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के ऊपर हैवी कैलिबर गोले भी दागे हैं। वहीं अलकासिम ब्रिगेड ने तो इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर 114 mm रजूम रॉकेट फायर किए हैं। ये हमला भी पूर्वी रफा में हुआ है। इसके अलावा अलकासिम ब्रिगेड ने कई रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सैनिकों पर करेम अबू सलेम मिलिट्री साइट में हमला किया है। हालांकि एक तरफ जहां आईडीएफ गाजा में चढ़ाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमास इसराइल के ऊपर स्थायी युद्ध विराम का दबाव डाल रहा है। और अब हमास ने नेतन्याहू से दो टूक कह दिया है कि अगर आईडीएफ गाजा में हमले जारी रखती है तो किसी भी तरह का कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इसको लेकर हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आईडीएफ रफा में हमले जारी रखती है तो हमास के लिए इसका जवाब देना जरूरी हो जाएगा। اذا استمر العدوان فلن يكون هناك وقف اطلاق نار لان الاسرائيلي هو الذي يهاجم وهو الذي يطلق النار ومن الطبيعي ان ترد المقاومه على هذا العدوان وان ترد دفاعا وان ترد من اجل دحر الاحتلال وفد الحركه اليوم توجه مساء الى القاهره يفترض في هذه اللحظات ان يكون قد وصل اليها الهدف هو تأكيد على استمرار عملية التفاوض أو استمرار العملية السياسية من أجل إلزام الإسرائيلي بالموافقة على هذا الاتفاق ووضع الترتيبات العملية لذلك بكل الأحوال أنا أشرت وقلت الكرة في ملعب الإسرائيلي وفي ملعب الإدارة الأمريكية आईडीएफ पर हमले जारी रखते हुए अलकासिम के अलावा डीएफएलपी ने भी इजरायली सेना पर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के पास कई रॉकेट्स फायर कर दिए। और इसी दौरान अलकासिम ब्रिगेड ने अलशोका में आईडीएफ के मरकावा टैंक पर 10 mm रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड दागा है। बड़ी बात यह है कि इस हमले में इसराइल का मरकावा टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गया और इस टैंक का चालक दल जब हमले से बचने के लिए बिल्डिंग की तरफ भागने लगा तो अलकासिम ने उन पर भी हमला बोल दिया। आपको बता दें कि गाजा के भीतर इजरायली सेना चौतरफा हमलों से जूझ रही है और नेटजरी मैक्सिस में तो इजरायली सेना पर अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने दनादन गोलों की बरसात कर दी। इस सब के बीच हमास न सिर्फ गाजा के भीतर आईडीएफ को निशाना बना रहा है, बल्कि वो गाजा के बाहर भी इजरायली सेना पर हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में किबुज नियर यज्जात सेटलमेंट पर अलकुज ब्रिगेड ने रॉकेट के कई जत्थे बरसाए हैं। इसके अलावा अलकासिम ने पूर्वी रफा में रेम मिलिट्री बेस पर भी एक सीधा हमला किया है और इस हमले की वजह से ईन हशलोशा, किसुफिम और रीम में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे।